पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल ऑपरेशन में बड़ी सफलता के लिए डीजीपी अजय कुमार सिंह ने चाईबासा पहुंचकर ऑपरेशन में शामिल जवानों और अधिकारियों को किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर खबर विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम में कल एंटी नक्सल सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में पुलिस और सुरक्षा बलों ने भाकपा माओवादी के 5 नक्सलियों को ढेर कर दिया था। इसके साथ ही 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया था। पुलिस और सुरक्षा बलों की इस बड़ी सफलता को लेकर आज डीजीपी अजय कुमार सिंह राजे पुलिस के कई वरीय अधिकारियों के साथ चाईबासा पहुंचे। यहां चाईबासा पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इस ऑपरेशन में शामिल जवानों और अधिकारियों को सम्मानित किया। मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि यह झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को भारी नुकसान पहुंचाते हुए 5 नक्सलियों को ढेर किया है और 2 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया है। सुरक्षा बलों ने इस क्षेत्र में 2 वर्षों के ऑपरेशन के दौरान इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। सम्मानित समारोह का संचालन एसपी आशुतोष शेखर ने किया। 17 जून 2024 को मुठभेड़ में मारे गए और गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की विवरणी इस प्रकार है। जोनल कमेटी सदस्य कांडे होना हागा उर्फ गोविंद नागद्वार उर्फ दिरीसुम पिता सरगया मुनहागा गांव थलकोबाद थाना छोटा नागरा पंडित सिंहभूम चाईबासा। सब जोनल कमेटी सदस्य सिंगराय उर्फ मनोज कुंजाम गांव एवं थाना जयगुड जिला सुकमा राज्य छत्तीसगढ़ दस्ता सदस्य जोंगा गांव ईचागोड़ा थाना गोइलकेरा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा दस्ता सदस्य सूर्या उर्फ मंता देवगम उर्फ मुंडा पिता सिन्नू देवगम गांव सरजोम बुरो थाना टोंटो पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा दस्ता सदस्य सपनी हास्ता पति टाइगर उर्फ पांडु हास्ता गांव हतना बुरु थाना छोटा नागरा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा गिरफ्तार नक्सलियों की विवरणी एरिया कमांडर टाइगर उर्फ पांडु हांसदा पिता विशु हांसदा गांव हताना बुरु थाना छोटा नागरा पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा दस्ता सदस्य बतारी बांद्रा पिता कांडे बांद्रा गांव सरजोम बुरु थाना टोंटो पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा है। करने में ये लगातार अभियान जारी है और आगे भी जारी रहेगा। पास्ट में कुछ पहले जो है थोड़े बहुत जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं इन्हीं अभियान में नुकसान उठाना पड़ा था, शहादत देनी पड़ी थी, लेकिन उस सब जो एक्सपीरियंस है उसको देख करके उनको सीख करके और उनके द्वारा जो लेसन मिले हैं उन्हीं को देख करके अभी अभियान और भी बहुत तीखा और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड रहा है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरीके के अपेक्षित परिणाम है उस सब सिक्योरिटी फोर्सेज को जो इसमें शामिल हैं उन सबको मिलेंगे। धन्यवाद। प्रांगण में आज झारखंड के जितने भी वरीय पुलिस अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए हैं, क्योंकि चाईबासा पुलिस के द्वारा अपनी अन्य अर्धसैनिक बलों के सहयोग से जो लगातार अभियान माओवादियों LWO एलिमेंट के खिलाफ चल रहे हैं उसमें अनप्रेसिडेंटेड और बहुत ही बेहतरीन सफलता पिछले 100 दिनों में प्राप्त हुई है, जिसमें कि जैसा आप जानते हैं कि 5 हार्ड कोर जोनल लेवल से लेकर के अलग अलग कैटेगरी के जो LWO सदस्य हैं उनके जो लीडर थे उनको शांत किया गया है, न्यूट्रलाइज किया गया है। इसके साथ ही इन दस्तों के कई सदस्यों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार भी किया गया है और बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में हथियार और उसके अलावा गोली बारूद वगैरह भी बरामद किया गया। जैसा कि आप अवगत हैं ये जो अभियान है चाईबासा जिला में पिछले 2 वर्षों से लगातार जारी है, जिसके अंदर हमारे अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियाँ झारखंड दरबार की टुकड़ियाँ IRB जिला बल उसके टैक्स और सारे अन्य जो भी अलग अलग रैंक के अधिकारी हैं वो उसमें शामिल रहे हैं और नेतृत्व करता रहे हैं और उसकी लीडरशिप लेकर के लगातार ये अभियान चला रहे हैं।
जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ दिनों पहले तक जो गुरु जंगल इन एक्सेसिबल एरिया थे जहाँ पर जाना खाली नहीं था, न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बल्कि गाँव वालों के लिए भी, जो कि अपना दैनिक जीवन यापन करने के लिए निकलते थे जंगलों में और इन सब क्षेत्रों में, तो न सिर्फ उनके माइंड की वजह से शरीर अपंग हो जाता था, क्षतिग्रस्त होते थे, बल्कि